हमने भी अपना चेल मूव कर लिया है टीडी। स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी पुणे स्टेशन हम लोग आ चुके हैं। अभी तो हमारी प्रगति एक्सप्रेस में हम लोग जा रहे हैं, पुणे से जाएंगे हम लोग करजत, देन फिर करजत से नेरल के लिए फिर हम लोग निकलने वाले हैं। विस्टाडोम का टिकट का बुकिंग आपको सेम IRCTC की वेबसाइट में आप करा सकते हैं। इसका प्राइस कंपेयर टू बाकी जो AC कोच है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है और वो एक ही बगी रहेगा, तो आपको एडवांस में करना पड़ेगा। बिकॉज मेरा वेटिंग था 8 एंड स्टिल मुझे वहाँ पे सीट मिल गया था लकीली, बट हमेशा नहीं होता, तो एडवांस में आप ज़रूर बुकिंग कराइए। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफ़र में माथेरान की तरफ। हमारे विस्टा डोम में बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही क्लीन और बहुत ही स्पेसियस, एक बार तो एक्सपीरियंस करना ज़रूर बनता है। क्या घूम भी जाते हैं समर साहब, ट्विस्ट होके बाहर की तरफ नज़ारा देख सकते हैं। सही है, That's the view. क्या सही है ना? हाँ, वाटरफॉल भी है, मजा मतलब। पुणे से माथेरान यानी कि जो हम लोग करजत की तरफ गए, ये जर्नी हमने प्रगति एक्सप्रेस के विस्टा डोम में वहाँ पे पूरी की, और ये मैंने किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, तो चारों तरफ थोड़े ड्राई थे, बट अदरवाइज यदि आप मानसून में आते हो तो व्यू काफ़ी प्यारा रहने वाला है, पूरा ग्रीन रहने वाला है और बहुत सारे वाटरफॉल दिखने वाले हैं। विस्टा डोम काफ़ी स्पेशियस है, आराम से आप लेट के देख सकते हो, एंजॉय ले सकते हो व्यू का, तो इसलिए बड़े बड़े वहाँ पे कांच वहाँ पे बना रखे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप भी एक बार ट्राई करके बताइए आपका जर्नी कैसा था विस्टा डोम में ट्रैवल करने का।